तो आज हम करने वाले Realme वायरलेस बड्स की अनबॉक्सिंग। बॉक्स देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि येलो और ब्लैक वाला है, बट एक्चुअल में मैंने ऑरेंज परचेज़ किया है। बैक में आपको हाइलाइटिंग फीचर दिखाए हैं जैसे मैग्नेटिक कंट्रोल, 11.2 mm बास बूस्ट ड्राइवर, 12 hr का प्लेबैक टाइम, फ्लेक्सिबल नेक बैंड, ब्लूटूथ 5.0 और IPX4 स्वेट प्रूफ। अब इसका एक्चुअल प्राइस 1999 दिया यानी कि 2000, बट फिलहाल अमेजोन में आपको ये 1790 का मिल जाएगा और मैंने सेल में परचेज़ किया था इसलिए मुझे 1490 यानी 1500 का पड़ा। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। तो ये है बॉक्स के अंदर हेडफोन ऑरेंज कलर में, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इसको निकाल लेते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये ऑरेंज कलर में, ये सिलिकॉन का नेक बैंड है, काफ़ी कंफर्टेबल होता है नेक में। राइट हैंड साइड में आपको तीन कीज़ मिलेंगी, ये प्लस माइनस जो कि वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, म्यूज़िक फास्ट फॉरवर्ड या रिवर्स करने के लिए या रिवाइंड करने के लिए। उसके बाद बीच में जो आर वाला साइन है ये आपको प्ले पॉज करने के लिए या कॉल रिसीव करने के, प्लस में अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो आप गूगल असिस्टेंट को समन कर सकते हैं। साथ में इसमें ये एक LED इंडिकेटर भी है, जब आप इसे चार्ज करते हैं तो ये रेड जलता है और जब कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है तो ये ब्लू हो जाता है। बाकी लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है, खाली Realme की ब्रांडिंग है, बाकी पूरा क्लीन है। इसके अलावा बॉक्स में और क्या है वो भी देख लेते हैं। नाइस, ये एक छोटा सा बॉक्स और दिया Realme ने, इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स की टिप मिल जाती है, ये थोड़ा लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज है, और जो इसमें है ये मीडियम साइज है। उसके अलावा आपको मिलती है ये डेटा केबल चार्ज करने के लिए, इसका कलर पता नहीं इससे डिफरेंट क्यों दिया है, ब्लैक एंड येलो वाला इसमें दिया है, काफ़ी छोटी है। देखिए इतनी लेंथ है। प्लस सैड बात यह है कि इसमें आपको AC अडैप्टर नहीं मिलेगा, तो अगर आपके पास फ़ोन का अगर कोई पड़ा हुआ है ऑलरेडी तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं चार्ज करने के लिए। उसके अलावा बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। अगर आपके पास अपना पुराना फ़ोन का कोई भी चार्जर पड़ा है तो उसमें आप इसे ला के चार्ज कर सकते हैं। इसके राइट साइड पे ही चार्जिंग का पोर्ट है जैसे आप चार्ज कर सकते हैं। इसके जो ईयरबड्स हैं ये मैग्नेटिक हैं। अब इसको कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना भी काफ़ी इजी है, कोई सा भी फ़ोन ले लीजिए। उसके बाद उसका ब्लूटूथ ऑन कर दीजिए। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद आपको ये Realme बड्स वायरलेस दिखा रहा होगा नॉट कनेक्टेड, क्योंकि जब ये मैग्नेटिक ईयरबड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही आप इनको डिसकनेक्ट करेंगे तो ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा। देखिए अपने आप कनेक्ट हो गया, साउंड काफ़ी क्लीन आती है और बेस भी काफ़ी अच्छा है और डिस्टॉर्शन इतना नहीं होता है।